किसी का जीना इतना तंग मत करो कि वो जीना भूल जाए, किसी का इतना गला चोप मत करें कि वो जीते जी मर ही जाए। इतना बड़ा नुकसान है कि एक इंसान एक पस्ती से उठा, हालात बदले, कुछ अचीव किया और अपनी औकात भूल गया। क्योंकि पैसा है एक टाइम पर भूख मिटा दे, शोहरत है एक टाइम पर नशा खत्म कर दे, ना दुनिया में एक टाइम पर आके भूख ने मिटना ही मिटा। क्या गमों के बगैर, तकलीफों के बगैर, परेशानियों के बगैर पहुंच सकता हूँ? तुझे वो दर्द से गुजरना पड़ेगा कि जब तू बात करे तो लोग तेरे दर्द में अपना दर्द भूल। अभी आप देखे ना, इंडिया में कोई मेरे ख्याल से आदमी है, कोई टाटा वाले हैं, तनी कौन है, उसने इतना पैसा कमाया सब चैरिटी का, क्या बात। मतलब कितना दिल चाहिए पहले वॉरेन बुफे बनने के लिए और फिर लोगों का बुफे बनने के लिए। लीडर का या एक बादशाह का रिग्रेट क्या होगा? वो रिश्ते जो उसने लूज किए कहीं पहुंचने के लिए। जैसे मैं कहता हूँ ना, माई लव इज ग्रेटर देन योर मिस्टेक, दैट्स व्हाई आई कांट पनिश यू। अभी आप देखे ना, इंडिया में कोई मेरे ख्याल से आदमी है, एक आपके अंबानी साहब हैं, कोई टाटा वाले हैं, पता नहीं कौन है, उसने इतना पैसा कमाया सब चैरिटी कर। रतन टाटा है ना, क्या बात है। मतलब कितना दिल चाहिए पहले वॉरेन बुफे बनने के लिए और फिर लोगों का बुफे बनने के लिए। अगर मैं आप बेंटली क्यों ग्लोरीफाई कर रहे हैं? आप वो तकलीफ को ग्लोरीफाई करें कि इस रास्ते की जो ग्लोरीफिकेशन है वो एक इंसान के वो तन्हा कदम हैं जो उसने कभी उठाए थे जब कोई साथ नहीं था उसके, आप इसको ग्लोरीफाई क्यों नहीं कर रहे? इवन जब हम इसको, बड़ा अच्छा पॉइंट है ये कि अगर आपको एक जर्नी को ग्लोरीफाई करना है तो आप डेस्टिनेशन के साथ करेंगे या उसको पहुंचने तक जो मुश्किलात आपने सही, उसको ग्लोरीफाई, जो उसको वर्थ इट बना रहा था कि वो क्या। एक आदमी एक गाड़ी लेके 5 अरब लोगों से अलहदा हो जाता है, सही है, 20 करोड़ की गाड़ी निकाल के या 30 करोड़ की गाड़ी निकाल के 5 अरब इंसानों से अलहदा हो जाता, यूनिक बन जाता। और एक इंसान पेन लेके, एक दर्द से गुजर के, एक स्टैंड लेके, उस तन्हाई को ऑप्ट करके दुनिया के अंदर 5 अरब लोगों से डिस्टिंग्विश हो जाता और हार नहीं मानता और इंतजार, फलसफा इंतजार का हिस्सा। कौन सा बड़ा आदमी है आपकी नजर? एक आदमी गाड़ी लेके बड़ा हो रहा है और एक आदमी गम लेके बड़ा हो रहा है और किरदार और वैल्यूज के साथ बड़ा हो रहा है। मेरी नजर में तो वो बहुत बड़ा आदमी है, चाहे जिसके पास पैसा हो या ना हो, मगर उसके किरदार में वो वेटेज है, उस तकलीफ की ग्लोरिफिकेशन है, इज्जत है, ताजीम है कि जिसमें उसको गिरने नहीं दिया माइंड में भी, ना रब को अपने माइंड में, ना लोगों को, किसी वसूल और वैल्यू को उसने बर्बाद नहीं होने दिया, कायम और दायम रखा, इंसान रहा और इंसान ही रहा, खुदा बनने का दावा नहीं किया उसने। लेकिन शेख, पैसा इम्पोर्टेंट तो है ना, वो तो वसाइल, वेल्थ, हम उसकी नफी नहीं कर रहे, लेकिन हम जब किसी को देखते हैं तो हम किसी को ये कह दें कि ये पहुंचा, हाँ ये ठीक है, मंजिल बहुत अच्छी है, ज़बरदस्त डेस्टिनी है, लेकिन उसकी पूरी जर्नी को जब मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो करते हैं और कहते हैं नहीं ये तो किसी से गुजरा ही नहीं होगा, इसके पास तो हेड स्टार्ट था, इसके पास तो वसाइल पहले से ही ज्यादा थे, इसकी जिंदगी वैसी आसान थी, नहीं ऐसी बात, आपकी तरफ से वैसी ही पैसा, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं। हर इंसान की अपनी काट है, पैसे वाले आदमी ने भी अगर मैदान में कदम रखना है तो उसे उसके लेवल की बलाएं मारनी आएगी। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ एक गरीब से अमीर बनने की स्ट्रगल, गुमनाम से मशहूर होने की स्ट्रगल है, मशहूर से मजीद जंगल का बादशाह बनने की जो स्ट्रगल है वो भी कोई कम मुश्किल नहीं। यू विल ऑलवेज फाइंड प्रेडेटर्स हंटिंग यू एट एवरी स्टेज ऑफ लाइफ बच्चे। यानी बादशाह बनने के बाद भी एक और बादशाह खड़ा है आपको मारने के लिए। शेर को जंगल से कुत्ते बाहर नहीं करते, शेर ही होता है जो मारने आता। इट्स नेवर ओवर टिल इट्स एब्सोल्युटली ओवर। तो ये बात नहीं है, वो रहेगा हमेशा, इसका अमीरी गरीबी से ताल्लुक नहीं, तकलीफ हर इंसान की। लेकिन ये जो
एलिमेंट है ना कि मतलब कोई सुनने वाला नहीं, कोई 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 नहीं है आपके साथ, ऑल अलोन। आई जस्ट वॉन्ट टू टॉक टू माई पीपल एंड फ्रेंड्स एज वेल। मैं इसको समझ सकता हूँ कि यू नो कोई नहीं है आपके साथ, सो मच टू से बट नो वन टू से, कितना कुछ है कहने के लिए, मगर वो जो जब्त है, वो जो खामोशी है,